नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। महाराष्ट्र से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। उद्धव ठाकरे की करीबी और शिवसेना सांसद भावना गवली को चीफ व्हिप के पद से हटा दिया गया है। जी हां, उद्धव ठाकरे का ये जो फैसला लिया गया है, क्यों लिया गया है और राष्ट्रपति चुनाव से इसका क्या कनेक्शन है, इस पर बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे उद्धव ठाकरे के दिन बुरे चल रहे हैं। एक एक करके सभी उन्हें छोड़कर जा रहे हैं और गिदड़ भभकी देने वाले संजय राउत भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बैठकर बस तमाशा देख रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे को शिंदे द्वारा दिया गया जख्म अभी भरा भी नहीं है और इसी बीच खबर ये आ रही है कि विधायकों के बाद बड़ी संख्या में सांसद भी उद्धव ठाकरे से बगावत कर सकते हैं और इस बात का अंदेशा उद्धव ठाकरे को भी हो गया है। इसी वजह से पार्टी ने सांसद भावना गवली को लोकसभा में शिवसेना के चीफ व्हिप के पद से हटा दिया है। उनकी जगह पर उद्धव ठाकरे के भरोसेमंद कहे जाने वाले राजन विचारे को यह जिम्मेदारी दी गई है। शिवसेना के सांसदीय दल के नेता संजय राउत ने संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को लिखे पत्र में पार्टी के इस फैसले की जानकारी दी है। संजय राउत ने अपने पत्र में लिखा है कि आपको ये बताया जाता है कि शिवसेना के संसदीय दल ने राजन विचारे को लोकसभा में भावना गवली के स्थान पर पार्टी का चीफ व्हिप नियुक्त कर दिया है। ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है। इस फैसले के बाद विधायक दल में जो फूट पड़ी है वो अब शिवसेना के संसदीय दल में भी टकराव के आसार बढ़ गए हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद ही भावना गवली ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा था। उसमें भावना गवली ने लिखा था कि एकनाथ शिंदे की भूमिका सही थी। उसके बाद से ही ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि शिवसेना के 12 सांसद एकनाथ शिंदे गुट के साथ जा सकते हैं। इसमें सबसे आगे भावना गवली का ही नाम था, इसीलिए ये बड़ा एक्शन उद्धव ठाकरे की तरफ से लिया गया है। भाजपा तो शिवसेना के 18 सांसदों में से 14 सांसदों के टूटने का दावा कर रही है और इसी वजह से शिवसेना ने उन्हें चीफ व्हिप के पद से हटाने का फैसला लिया है। भावना गवली का अगला कदम क्या होता है ये देखना होगा। क्या इस एक्शन के बाद वो भाजपा के साथ जाएंगे या शिंदे गुट का खुला समर्थन करेंगी, दिलचस्प होगा उनका अगला कदम। भावना गवली ही नहीं, एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे समेत कई लोगों की ओर से बगावत का ऐलान किया जा सकता है। वहीं इससे पहले मुंबई से शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने भी उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा था। इसमें राहुल ने भाजपा के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के लिए कहा था। अब सांसदों का जो रवैया है उससे तो ये साफ हो जाता है कि अगर शिवसेना राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करती है तो फिर बगावत दिख सकती है और क्रॉस वोटिंग होना तय माना जा रहा है। और सांसद संजय राउत के तेवर और ममता बनर्जी और राहुल गांधी से उनकी नजदीकियों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो यशवंत सिन्हा को ही वोट करने के लिए सांसदों को बोलेंगे। और अब भावना गवली पर जो एक्शन हुआ है उससे तो बात साफ हो जाती है कि ये बगावत तय है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।